गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो का V21e 5G। फ्रेंड, ये वीवो का V21e 5G है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पैटर्न लॉक लग गया है। इसमें मैंने जो पैटर्न लगाया था वह मैं भूल गया हूँ, और दूसरा कोई भी पैटर्न डालने पर यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है। तो पैटर्न लॉक हो या पासवर्ड लॉक हो, दोनों को हम लोग हार्ड रीसेट करके रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वीवो मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग पावर ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर पावर बटन है, उसे मैं दबा दिया हूँ। अब इस फ़ोन को हम लोग पावर ऑफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फ़ोन जो है वो पावर ऑफ हो रहा है, हो गया। फ्रेंड, अब हम इस फ़ोन को हार्ड रीसेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है इसका वॉल्यूम अप बटन, ये है डाउन बटन, और ये है पावर बटन। ठीक है, तो हम लोग को वॉल्यूम अप बटन दबा के पावर बटन को दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम अप बटन को दबा दिए, फिर पावर बटन दबा दिए। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा, दोनों बटन को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, हमारे फ़ोन पर ऑप्शंस आ चुका है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट, नीचे में लिखा हुआ है रिकवरी मोड। तो हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन की मदद से रिकवरी मोड पर आ जाना है। आ गए, और इसको टच करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ओके, नहीं हो रहा है, तो हम लोग को पावर बटन से ओके करना होगा। तो पावर बटन दबा के इसे ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी बहुत सारा ऑप्शंस आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस आ चुका है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर डाटा लिखा हुआ है, इस पर टैप करेंगे। इस तरह सबसे ऊपर में लिखा हुआ है क्लियर केचा, और नीचे लिखा हुआ है क्लियर ऑल डाटा। तो हम लोग को क्लियर ऑल डाटा पर चलिए टैप कर लेते हैं, वॉल्यूम बटन की ज़रूरत नहीं है। टैप कर दिए क्लियर ऑल डाटा पर, और यहाँ ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। दोस्तों, हमारे फ़ोन का सारा डाटा इरेज हो रहा है, और हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। तो यहाँ पर रुकेंगे, हो गया। अब यहाँ सबसे नीचे में लिखा हुआ है डाटा वाइप्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ रिटर्न, इस पर हम लोग टैप करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। तो हम लोग फिर से वापस अपने मेन मेन्यू में आ गए हैं। अब यहाँ सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा रीस्टार्ट, इस पर हम लोग टैप करेंगे, हम यहाँ ओके कर देंगे। तो फ्रेंड, अब हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला गया है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है, यहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4-5 मिनट लगेंगे। तो जब तक यह फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को थोड़ा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर बाद इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे और आगे बढ़ के अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। स्टार्ट पे टैप कर दिए, यहाँ इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ गए। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे टिक कर गए, आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क जोड़ लेंगे इस फ़ोन से। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चालू कर सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई में नेटवर्क कनेक्ट कर लिया हूँ, और यह खुद ब खुद ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो आपको वेट करना है। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद आपके सामने ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ पर डाउन कॉपी करना है। अब यहाँ पर पैटर्न लॉक मांग रहा है, यहाँ पर वही पैटर्न लॉक मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से खुल जाएगा। अगर आप दूसरा कोई भी पैटर्न डालते हैं तो यहाँ रॉन्ग लिख के आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम टैप करेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड, अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर डालें, आपका फ़ोन यहीं से खुल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा, जिसमें आपको मैं गूगल अकाउंट बाईपास करने के बारे में बताऊँगा।
फ्रेंड मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक